बड़े चैलेंज के सामने कामयाब हो गया है आत्मनिर्भर भारत। देश ने बनाया है पूरी तरह स्वदेशी कोरोना वैक्सीन। महामारी से लड़ाई में दुनिया के कई देशों से आगे निकला हिंदुस्तान। कोवैक्सीन तैयार है, कोविशील्ड तैयार है। कोरोना से लड़ाई के खिलाफ भारत के ये दो हथियार बेहद असरदार रहने वाले हैं। द फेज थ्री efficacy ट्रायल was initiated इन इंडिया इन 25,800 volunteers and till date approximately 22,500 participants have been vaccinated across the country and the vaccine has been found to be safe as per the data available till date। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने जब इस कामयाबी का ऐलान किया तो ये मौका बेहद खास हो गया। मुश्किल वक्त में कोवैक्सीन और कोविशील्ड के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिलने से बड़ी राहत वैसे मामलों के लिए है जो टीके के अभाव में दम तोड़ रहे थे। लगातार इलाज में जुटे डॉक्टर भी एक मोड़ पर आकर असहाय हो जा रहे थे, लेकिन अब कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मदद से जिंदगियां बचाई जा सकेंगी। दोनों वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, हर भारतीय को गर्व होगा कि जिन दो टीकों को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है वो दोनों भारत में बनी हैं। ये हमारे वैज्ञानिक समुदाय के उत्साह को दर्शाता है जो आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करता है, जिसके मूल भाव में देखभाल और करुणा है। बीजेपी कह रही है कि दोनों वैक्सीन को मंजूरी का श्रेय केंद्र सरकार को जाता है। मोदी जी ने फिर स्थापित किया कि वो वैश्विक नेता है। वैश्विक महामारी के खिलाफ हिंदुस्तान में जो लड़ाई लड़ी है, क्योंकि हम बहुत बड़े वॉल्यूम में, हम 137 करोड़ के देश हैं, पूरी दुनिया हमारी तरफ आंखें लगाए देख रही थी। हमने कोरोना की लड़ाई इलाज के रूप में, लॉकडाउन को साइंटिफिक रूप से लागू करने के रूप में, अर्थव्यवस्था को पुनर्जागृत करने के रूप में, और अब उसके बाद वैक्सीन बनाने और वैक्सीन की तैयारी लगाने की तैयारी को लेकर जिस प्रकार से मोदी जी की सरकार ने काम किया वो अविस्मरणीय है। बीजेपी वैक्सीन को मंजूरी मिलने पर अपनी सरकार की पीठ थपथपा रही है तो कांग्रेस डीसीजीआई के फैसले पर सवाल उठा रही है। पार्टी नेता शशि थरूर ने कोवैक्सीन को लेकर ट्वीट किया है, कोवैक्सीन ने अभी तीसरे फेज का ट्रायल भी पूरा नहीं किया है, वक्त से पहले मंजूरी जोखिम भरा हो सकता है, स्वास्थ्य मंत्रालय को स्थिति साफ करनी चाहिए, ट्रायल से पहले वैक्सीन के इस्तेमाल पर रोक लगे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पुनावाला ने डीसीजीआई के फैसले पर खुशी जताई। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सभी को नए साल की शुभकामनाएं, भारत की पहली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है, ये पूरी तरह सुरक्षित, प्रभावशाली और रोल आउट करने के लिए तैयार है। मंजूरी मिलने के बाद अब सभी को तारीखों का इंतजार है, स्वास्थ्य मंत्रालय जल्द इस पर फैसला ले सकता है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आशुतोष मिश्रा, आज तक ब्यूरो।